हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हार्ड ब्लॉगर बॉय में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बिल्कुल ऐसा ही हमारे गांव में एक नहर में ऐसा ही हादसा हुआ है अभी रिसेंटली में। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे गांव में ही एक ऐसी नदी है जो कि आज बारिश के कारण उफान पर है और उसमें दो लोगों की मौत भी हो चुकी है गिरकर। तो दोस्तों, इसको लोग खूनी नदी के नाम से भी चर्चा में बहुत ज़्यादा इसको ले रहे हैं। आइए दिखाते हैं वीडियो को कि कौन सी है वो नहर। A few moments later, फाइनली हम आ चुके हैं उसी नहर पर जहाँ पर दो लोगों का मर्डर हुआ है। तो आइए आपको देख सकते हैं आप लोग कुछ। यही है वो नहर जो जहाँ पर दो लोगों को गिरकर बहुत ही बुरी तरीके से उनकी डेड बॉडी यहीं पर मिली थी। तो जिसके कारण इस नहर का पानी बहुत ही कम कर दिया गया है। लोगों का कहना था कि इसमें और भी लोगों का हादसा हो सकता है, इसीलिए ऊपर से आदेश आया और यहाँ पर इसके पानी को कम कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो इसमें बहुत ही कम पानी है, बारिश के कारण इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, ये पूरा भरा हुआ था, जिसके कारण लोगों को आते जाते बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पर वही लोग गिरते थे जो रात को ड्रिंकिंग करके यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पे आगे ही वहीं से ही लोग गुजरते हैं और रात में ड्रिंकिंग करने के कारण कुछ पता नहीं चलता सुध-बुध का कि कैसे कहाँ जाना है, और अकेले होने के कारण यहीं पे किसी भी कारण से गिर गए थे। तो ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है, आप सबको सतर्क करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके गांव में भी ऐसी ही नहरें और नदियां निकलती रहती हैं, क्योंकि आप लोग भी किसी ना किसी गांव से बिलोंग करने वाले होंगे। तो आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहें और ड्रिंकिंग करके ऐसी जगहों से ना गुजरें जो कि हादसे का शिकार होना पड़े, और सतर्क रहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिसके हमारे आने वाले अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक बराबर मिलती रहे। जय हिंद।